जी देखिए, हमने ये कहा है कि जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो जगह है, आज भी वहां पे हॉलो साउंड आ रही है, धब-धब की आवाज आ रही है, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है, तो वहां पे जांच होनी चाहिए। हमारा ऐसा मानना और ऐसा क्लेम है कि वहां पे भी आदि विशेश्वर का मूल शिवलिंग बरामद होगा और उसकी जांच की बहुत जरूरत है। जीपीआर सर्वे द्वारा उसकी जांच की जाए। हमने कोर्ट को यह भी कहा था कि ये सारी एक्सरसाइज बिना डैमेज किए, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाए हुए की जाए, और वही आदेश आज कोर्ट ने। अब ये मान के चलिए, सर क्या फैसला आया, क्या बोला अदालत ने? फैसला अपने पक्ष में आया है, नोट हर फैसला अपने पक्ष में आया। हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। कब तक ये ऐसा सर्वे होगा, ये प्रारूप क्या होगा इस सर्वे का? को सर्वे तय करेगा, पूरी कमेटी जो टीम आएगी वो तय करेगा कि सर्वे कैसे करेंगे। वो कोर्ट में अपने जो है वो देंगे अपने जो है गाइडलाइन की हम चेक करें जो है। कितना वक्त मान कर चलिए, अब मान के चलिए नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी, हाजिर होगी कोर्ट में, और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जांच करेंगे। सारे बिंदु, जितने बिंदु हमने दिए थे, एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है, और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है, और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग प्वाइंट है। सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा ये ग्राफिक की जो लड़ाई आप लोगों को, ये जिस दिन तय कर देगा एएसआई अपनी जांच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा जो विवाद है लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एएसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है, और हम लोग बधाई जो है फिर पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर, हमारे बहुत जल्द से जल्द ये मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर में सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया है, स्ट्रक्चर एज नेचर उस जो है परिसर को जानने के लिए एसआई को उन्होंने आदेश कर दिया है, और बिना डैमेज किए जो है ये आप इसको जो है जांच आप करिए। अब अगली तारीख का भी पता कर लें, हम लोग भी अभी पूरा कोर्ट में क्या हुआ बताइए। कोर्ट ने हमारे जो प्रार्थना पत्र था एएसआई जांच का, स्ट्रक्चर एज को जानने के लिए हमने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उन सारे जो है स्वीकार करते हुए उन्होंने आदेशित कर दिया है कि अब आप इसको जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया। अब एएसआई जांच करेगी, जांच करके उसका स्ट्रक्चर उसके नेचर को बताएगी कि इसका कितना पुराना स्ट्रक्चर है, मंदिर का स्वरूप है, ये मंदिर है या मस्जिद है, ये सारी चीजें जांच करके बताएंगे। मतलब एएसआई या पूरी जो प्रिमाइसेस है उसका सर्वे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एएसआई पूरा जो है जांच। कार्बन डेटिंग को लेकर जज साहब ने क्या कहा? कार्बन डेटिंग को लेकर भी जज साहब ने काफी चीजें कही, उसको कैसे देखते? कार्बन डेटिंग का नहीं है मामला था, वैज्ञानिक विधि से साइंटिफिक जांच के लिए जो एएसआई को उन्होंने आदेशित कर दिया है, और हमारे प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है।